नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मच्छरों के काटने से कौन कौन सी गंभीर बीमारियां होती है और इनके क्या लक्षण हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अपने इस वीडियो में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो उसमें आप क्या खाए और क्या ना खाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया बहुत ही जानलेवा और घातक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। मलेरिया के कारण शरीर के रेड ब्लड सेल्स नष्ट होने लगते हैं और रोगी की हालत गंभीर होने लगती है। लेकिन मलेरिया का पूर्ण रूप से और आसानी से इलाज संभव है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मच्छर के काटने से मलेरिया के अलावा कई और रोग भी होते हैं। मच्छरों से होने वाले इन रोगों से बचने के लिए आप अपने आसपास मच्छरों को न पनपने दें। फिर भी अगर मच्छरों के काटने से आपको कोई रोग हो जाता है तो उसको लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। मलेरिया। मलेरिया मादा एनोफिलीज नाम के मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर आमतौर पर शाम के समय एक्टिव होते हैं। दरअसल मादा मच्छर एनोफिलीज के शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पलता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तब रोग का परजीवी रक्त प्रवाह के जरिए लीवर में पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। यह स्थिति लाल रक्त कोशिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मलेरिया के प्रमुख लक्षण सिर में दर्द, उल्टी होना या जी मचलना, हाथ पैरों खासकर जोड़ों में दर्द होना, शरीर में खून की कमी होना, कमजोरी और थकान महसूस होना, आंखों की पुतलियों का रंग पीला होना, तेज बुखार, पसीना निकलने पर बुखार का कम होना इस बीमारी के लक्षण हैं। डेंगू। डेंगू एक वायरल एडीज इजिप्टी नाम के मच्छर से फैलने वाला संक्रमण है। अगर इस बुखार में समय से इलाज न मिले तो मरीज की हालत गंभीर हो जाती है और उसकी जान भी जा सकती है। डेंगू उन लोगों को जल्दी प्रभावित करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। डेंगू के प्रमुख लक्षण पेट में तेज दर्द, नाक, मुंह, मसूड़ों या त्वचा से रक्त स्राव होना, खून की या बिना खून की लगातार उल्टी होना, अधिक पसीना आना, काला मल आना, भूख में कमी, थकान और कमजोरी का एहसास, और इस बीमारी में व्यक्ति की त्वचा पर लाल और गुलाबी रंग के चकते पड़ जाते हैं। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बुखार होने से व्यक्ति के शरीर में भारी मात्रा में पोटेशियम का स्राव होता है। इससे प्लेटलेट्स की संख्या में बहुत तेजी से कमी आती है। इसका असर दिल पर भी पड़ता है। रोगी का रक्तचाप भी कम हो जाता है। शरीर में प्रोटीन की कमी होने से किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ ही कई तरह के इन्फेक्शन होने से जान का खतरा भी बन जाता है। चिकनगुनिया का मुख्य लक्षण जोड़ों में दर्द होता है। यह बुखार सामान्यतः 2 दिनों से 2 सप्ताह तक रहता है, लेकिन कई बार रोगी को इस बीमारी के प्रभाव से उबरने में महीनों का वक्त लग जाता है। इसके और भी लक्षण हैं, जैसे थकान, गठिया का दर्द, सरदर्द, जी मचलना, उल्टियाँ, ठंड लगना और चकते आदि चिकनगुनिया के लक्षण हैं। जीका बुखार। हालांकि जीका वायरस भारत में उतना नहीं पाया जाता जितना प्रकोप इसका अफ्रीकी देशों में है। फिर भी विदेश से लौटने वाले लोगों में इस मच्छर जनित जानलेवा रोग का खतरा होता है। जीका वायरस भी एडीज प्रजाति के ही मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें बुखार, जोड़ों में दर्द और शरीर पर चकते पड़ जाते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस। मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार आदि नामों से मशहूर जापानी इंसेफेलाइटिस एक जानलेवा बीमारी है जिसका शिकार ज्यादातर बच्चे होते हैं। सुअर इस बीमारी का मुख्य वाहक है। सुअर के ही शरीर में इस बीमारी के वायरस पनपते हैं और फलते फूलते हैं। फिर मच्छरों द्वारा यह वायरस सुअर से मानव शरीर में पहुंच जाता है। बुखार, सिर दर्द, अति संवेदनशील होना, लकवा मारना, पागलपन के दौरे पड़ना, आधे लोगों की स्थिति तो कोमा में जाने तक हो जाती है। अगर कोई छोटा बच्चा ज्यादा देर तक रोता है, भूख की कमी, उल्टी, बुखार आदि इसके लक्षण हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव भी है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।